सबसे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप उसका आंसर देंगे। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, है ना? खाली समय में हम क्या करते हैं, खेलते हैं या फिर और कई काम करते हैं, जैसे पेंटिंग करना, चित्रकला। जैसे कि अभी COVID-19 के चलते हम लोग खाली थे घर में, तो क्या करते थे, जो भी हमारे जो अधूरे काम है उसको हमने किया, है ना? आप लोगों ने भी किया होगा। अब देखिए, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? बहुत सारे खेल पसंद होंगे जो घर के अंदर भी खेलते हैं और घर के बाहर भी। जैसे गर्मी का मौसम अब आएगा इसके बाद, तो हम गर्मी के मौसम में लगभग जो घर के अंदर जो खेल खेलते हैं उनमें जैसे शतरंज है ना, और चौसर जो पहले खेला जाता था इस प्रकार से, और बाहर खेलने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, है ना? तो अब आप बताइए कि आपको बाहर खेलने वाले खेल पसंद है कि अंदर, है ना? तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अंदर खेलने वाले खेल पसंद होते हैं, और कुछ लोगों को बाहर खेलने वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि अंदर बाहर दोनों खेल खेलने अच्छे लगते हैं, है ना? अब बताइए कि आपको, आप में से बैडमिंटन जो खेल है वह कौन खेलना पसंद करता है? बहुत सारे लोगों को बैडमिंटन खेल खेलना पसंद करता पसंद आता है ना? इससे क्या होती है, शारीरिक व्यायाम भी हो जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है ना? इस खेल को खेलते समय बहुत सारी, कोई भी खेल है उसमें हार जीत होती है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारा खेल को खेलने से, कोई भी खेल खेलने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी हो जाता है ना? तो आज जो है हम एक जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइना नेहवाल। ये क्या है, एक जीनी है ना? क्या आपने चित्र में दी गई खिलाड़ी को देखा है ना? ये देखा होगा आपने। वो कौन सा खेल खेलती है, ये कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन, है ना? अब आपको बताना है कि ये तीन महिला खिलाड़ियों के नाम, उसमें सबसे पहले तो हमने बैडमिंटन की साइना नेहवाल, दीपा कर्माकर, है ना, और पीवी सिंधु, ठीक है? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइना नेहवाल, और ये इस प्रकार ये क्या है, जीवनी है ना? तो अब हम पढ़ेंगे, साइना नेहवाल को कौन नहीं जानता? ये महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो लाखों भारतीय लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है ना? यानी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। वर्तमान में वह विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी, वरीयता यानी श्रेष्ठता प्राप्त खिलाड़ी है। इस मुकाम पर पहुंचने वाली भी प्रथम भारतीय महिला है। वे ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, है ना? ओलंपिक में वे कौन सा पदक जीत चुकी है, कांस्य पदक जीत चुकी है, ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला है, है ना? वे राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। उन्होंने अपने ही देश की खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराकर यह पदक जीता। उनकी जीत का सिलसिला जारी है, यानी कि जो पीवी सिंधु है वो भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, है ना? उनके जीवंतता और हौसले को सलाम, ठीक है? जीवंतता मतलब होता है हिम्मत को, है ना? अब देखेंगे आगे, साइना को पद्मश्री, पद्मभूषण और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साइना कराटे में भी ब्राउन बेल्ट जीत चुकी है। वे जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। साइना का जन्म 17 मार्च 1990, मतलब जैसा कि आप जान रहे हैं ये जीवनी है, अब हम इनकी जीवनी यानी कि इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा राज्य की 1990 को हरियाणा राज्य के हिसार शहर में हुआ था। उनके पिता हरवीर सिंह और माता उषा नेहवाल। हरवीर सिंह भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक है। साइना की माँ विश्वविद्यालय स्तर पर बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी है, इसका लाभ साइना को हुआ है ना? जैसे कि माता पिता अपने कुछ ऐसे खेल वगैरह में रहते हैं तो हमारा भी उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे ही साइना नेहवाल की जो माँ है वह भी बैडमिंटन चैंपियनशिप रह चुकी है, इसलिए साइना ने भी इस क्षेत्र को चुना होगा, है ना? साइना ने बैडमिंटन का कखरा यानी का से आ तक के जो बोलते हैं, कख ग इंगा चाचा जाजा आ इया टाठा डाढ़ा अणा तथा दधा न पफ ग ये अक्षर वर्णमाला है। तो ये बैडमिंटन का कखरा उन्होंने अपनी माँ से भी सीखा। हरियाणा के एक खेल रूढ़ीवादी परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा प्रोत्साहन दिया, यानी उनका परिवार कैसा था, अंधविश्वासी रूढ़ीवादी। अब आगे देखेंगे, साइना का आरंभिक प्रशिक्षण हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में कोच, उनके कोच यानी कि जो सिखाने वाले हैं
नानी प्रसाद की देखरेख में हुआ। उनकी खोज का नाम क्या है? नानी प्रसाद। अब आगे देखेंगे, उसके बाद उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एस एम आरिफ और पुलिंदा गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है ना? ये पुरस्कार महान खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो साहित्य लेख कला व सांस्कृतिक खेल व प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ये पुरस्कार महान खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जाता है जो साहित्य लेख, साहित्य भी हो सकता है, लेख भी हो सकता है, कला व संस्कृति खेल व प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना सबसे पहला स्थान प्राप्त करते हैं। किस किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लेख के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में, और अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं। इसके साथ ही कुश्ती लड़ने वाले जो होते हैं है ना, उन खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाँ, अब हम आगे देखेंगे एम एस आरिफ और हाँ ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक विमल कुमार से भी उन्होंने बैडमिंटन के गुण सीखे हैं। उनसे भी यानी बहुत सारे लोगों से उन्होंने बैडमिंटन को सीखा है। साइना को यहाँ तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, मशक्कत यानी मेहनत, इसमें उनके माता पिता का काफी अहम योगदान रहा। साइना को बैडमिंटन सीखने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वे सवेरे उठ जाती और उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बैठाकर ले जाते थे। वे बताती हैं कि रास्ते में उन्हें नींद आ जाती थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें पीछे से पकड़कर बैठती ताकि वे गिरे नहीं। साइना ने कभी बहाना नहीं बनाया, वे अपने माँ बाप और प्रशिक्षकों का दिल से सम्मान करती है। यही कारण है कि वे आज इस मुकाम तक पहुंची है और उनकी सफलता का सिलसिला अब भी जारी है। अब हम आगे पढ़ेंगे साइना के जीवन की कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं। साइना अपने माँ बाप की दूसरी औलाद है, यानी कि पहला उनका जो भी उनके भाई बहन कोई भी होंगे ये दूसरी, उनका परिवार रूढ़िवादी रहा है ना। साइना का कहना है कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी दादी बहुत निराश हुई, यानी कि लड़की हो गई घर है ना। उन्हें लगा कि पहली भी संतान बेटी और दूसरी भी बेटी, मतलब उनकी एक बड़ी बहन थी और फिर ये सेकंड में भी, वे तो कई दिनों तक साइना का मुंह देखने भी नहीं आई थी है ना। देखिए कैसा होता है, लेकिन आज उनकी सोच बदल गई है। साइना ने समाज को यह दिखाया कि बेटी और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। अगर बेटी को भी सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परिवार का समर्थन मिले तो वह भी नए मुकाम बना सकती है। आज उनकी दादी मानती है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। जो दादी उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती थी, आज देखिए वही दादी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करती है। आज उन्हें अपनी पोती पर गर्व है, पोती यानी कि जो उनके बेटे की बेटी है। वे भी मानने लगी है कि अगर बेटियों को भी सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो वे भी देश और परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। आज साइना नेहवाल पर केवल परिवार को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को गौरव। तो आपने अभी क्या साइना नेहवाल की जीवनी पढ़े, अब हम देखेंगे साइना नेहवाल की कुछ मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी है। देखिए स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल 2018 क्वींसलैंड, कांस्य पदक विश्व बैडमिंटन सीरीज 2017 विजेता, ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज 2016 विजेता, ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज 2014 कांस्य पदक उबेर कप 2014 दिल्ली, कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल 2010 एकल, रजत पदक राष्ट्रमंडल खेल 2010 मिश्रित, स्वर्ण पदक विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2008 पुणे, कांस्य पदक राष्ट्रमंडल खेल 2006 मेलबर्न। अब हम बैडमिंटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बैडमिंटन शब्दार्थ आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि ये शब्दार्थ को आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये इसको भी आप होमवर्क में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम बैडमिंटन का आरंभ 9वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत में माना जा सकता है। ब्रिटिश छावनी शहर पूना में यह खेल खास तौर पर लोकप्रिय रहा है, इसलिए इस खेल को पूनाई के नाम से जाना जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, बैडमिंटन खेल को क्या किस नाम से जाना जाता है, पूनाई। शुरू में हवा या गीले मौसम में इसे ऊन के गोलों से खेलते थे है ना, ऊन के जो गीले गोले हैं उसे खेलते थे। फिर शटलकॉक ने बाज मारी। इस खेल को ब्रिटिश अधिकारी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर के बाद अपने साथ वापस ब्रिटेन ले गए, जहां इन्हें पुनः विकसित किया और नियम बनाए गए, ठीक है। अब हम देखेंगे आओ करें एक, इसमें देखिए उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइना नेहवाल कौन है,
बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। साइना ने बैडमिंटन का कटघरा किसे कहा है, माँ को। साइना के पिता क्या है, वैज्ञानिक। साइना के माता पिता कहाँ के रहने वाले, हरियाणा। साइना कैसे परिवार से है, रूढ़िवादी। आगे देखेंगे, आओ करें दो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में साइना ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा कांस्य पदक। आंसर आप अच्छे से लिखेंगे, ओलंपिक खेलों में साइना ने कांस्य पदक जीता। साइना को अब तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके, ये 75 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग, उसमें देखिए ये जो फिल्म बनी चित्र बना उसके नीचे वाले। साइना को पद्मश्री, पद्मभूषण, सर्वोच्च खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, साइना ने अपना आरंभिक प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त किया, ये 76 इसमें देखेंगे। साइना का आरंभिक प्रशिक्षण 7 पैराग्राफ में हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कोच नानी प्रसाद की देखरेख में है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, साइना के प्रशिक्षकों के नाम बताइए, जस्ट नीचे देखिए, MS आरिफ, पुलेला गोपीचंद। उसके बाद ख्याति प्राप्त विमल कुमार जो है उनके क्या है, प्रशिक्षकों के नाम। फिर अगला क्वेश्चन है, साइना ने समाज को क्या दिखाया, क्या दिखाया है, तो आंसर हो गया होगा साइना के 76 नंबर का पेज, ये देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, साइना ने समाज को यह दिखाया है कि बेटी और बेटी में कोई फर्क नहीं है, अगर बेटी को भी सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परिवार का समर्थन मिले तो वह भी मुकाम बना सकती है। आज उनकी आज उनकी दादी मानती है कि ये बस यहाँ तक आओ होगा है ना। अब देखेंगे हम, आओ करें तीन दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइना का जीवन सवार ने उनके माँ बाप के योगदान पर चर्चा की थी, ये 76 नंबर का पेज है ना, ये देखिए थर्ड पैराग्राफ। साइना को यहाँ तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, इसमें उनके माता पिता का काफी अहम योगदान रहा है। साइना को बैडमिंटन सीखने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वे सवेरे उठ जाती और उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बैठा कर ले जाते थे। वे बताती हैं कि रास्ते में उन्हें नींद आ जाती थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें पीछे से पकड़कर बैठती थी ताकि वे गिरे नहीं। साइना ने कभी बहाना नहीं बनाया, वे अपने माँ बाप और प्रशिक्षकों का दिल से सम्मान करती है, यही कारण है कि वे आज इस मुकाम तक पहुंची है और उनकी सफलता का सिलसिला अब भी जारी है ना। अब हम पढ़ेंगे आओ करें तीन का दो सेकंड क्वेश्चन, साइना के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और उसको फोटो सेंड भी कर देंगे, अभी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए, साइना के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर बेटी को भी सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परिवार का समर्थन मिले तो वह भी एक नया युवा बना सकती है। बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, इसके अलावा हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका आज चैप्टर खत्म है ना। इसके बाद हम व्याकरण में लिंक पढ़ेंगे, तो आज की क्लास हम नहीं समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद सप्ताह नोट करना है, बैडमिंटन के बारे में पढ़ना है, जितने IMP क्वेश्चन बनते हैं जो भी एग्जाम में आ सकते वो आपको कॉपी में नोट करना है, और क्वेश्चन आंसर बुक में ही जितने बुक में है छोटे छोटे सब उसको टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर बुक में भी टिक कर सकते हैं आप, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें, धन्यवाद बच्चों।